या टू इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ऑन रेटिना पॉइंट मत लिखेगा स्ट्रक्चर लिखेगा या पॉइंट भी लिख सकते हैं येलो स्पॉट हिंदी में कहते हैं पीत स्थल लिखे हैं रिपीट क्या करना है देखो दो आभासी स्थल पॉइंट बिंदु रेटिना के दो आभासी बिंदु ठीक पहला उसमें है येलो स्पॉट एक लाइन लिखेगा रीजन ऑफ या लिखे, एरिया ऑफ बेस्ट विजन एरिया ऑफ बेस्ट विजन इसका मतलब होता है यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई पड़ता है यानी रेटिना के येलो स्पॉट पे अगर किसी चीज की इमेज बनी तो उससे अच्छा फिर और कहीं दिखेगा नहीं सबसे अच्छा वही दिखता है इसको आप चाहो तो फील कर सकते हो कैसे फील करिए अपनी कॉपी में वो लाइन बस देखिए जो पूरा लिखा हो शुरू से आखिरी तक लिखा है और आपको वही लाइन पढ़नी है बट कोशिश ये करना कि आपकी आंख घूमे ना देखिए कोई भी लाइन पढ़िए अपनी कॉपी की बस कोशिश करना आंख नहीं घूमना है पुतली इधर उधर ना घूमे कोई भी लाइन पढ़िए बट कोशिश क्या करना है कि पुतली आपकी इधर उधर ना घूमे क्या फील हो रहा है यानी जो आंख के ठीक सामने है वो सबसे क्लियर दिख रहा है जैसे जैसे लेफ्ट या राइट right हो रहे होंगे विज़न अनक्लियर। तो जो आंख के ठीक सामने है उसका इमेज कहाँ बन रहा है येलो स्पॉट पे बन रहा है इसीलिए वो सबसे क्या है क्लियर दिख रहा है जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट right करते हो क्या है या देखने की कोशिश करते हो बिना पुतली घुमाए तो वो चीज हमें क्लियर दिखती नहीं है तो नीचे लिखिएगा वी आर मूविंग आवर आईज वर्ड बाई वर्ड और लाइन बाई लाइन We are moving our eyes word by word because we are moving our eyes word by word because we are trying to adjust that because we are trying to adjust that image formation. We are trying to adjust that image formation. पेंस अपॉन येलो स्पॉट ऑफ रेटिना पढ़ते समय हम आखों को इधर उधर घुमाकर पढ़ते समय हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर यह समायोजित करने का प्रयास करते हैं कि पढ़ते समय हम अपनी आंखों को इधर उधर घुमाकर यह समायोजित करने का प्रयास करते हैं कि प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पीत स्थल पर ही हो। यानी हम अपना सर या आंख क्यों इधर उधर घुमाते हैं क्यों समायोजित करने एडजस्ट करने का प्रयास करते हैं कि इमेज फॉर्मेशन जो हो रही है वो कहा हो रेटिना के येलो स्पॉट पे हो प्रतिबिंब का निर्माण रेटिना के पीत स्थल पर हो अंध बिंदु या अंधस्थल दो इमेजरी पॉइंट था ना तो एक वो था दूसरा ये था एक लाइन लिखिए रीजन ऑफ नो विजन यहां पर बनने वाला प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं पड़ता और रीजन नहीं है रीजन मतलब क्षेत्र आर ई एस ओ एन मत लिख दीजिएगा रीजन ऑफ नो विजन Means यहाँ पे किसी चीज की इमेज बन गई तो वो आपके सामने होते हुए भी आपको नहीं दिखेगा कभी आप फील किए होंगे कि ब्लैंकेट में बैठ के ओढ़ओढ़ लिख विक रहे हैं और पेन का कैप निकाल के रखे हैं आपको पता है कि इस बगल में रखा हूं थोड़ी देर बाद खोज रहे नहीं मिल रहा है बहुत देर बाद इधर उधर करते फिर वही मिल जाता है तो जब आप वहां देखते हो और इमेज जैसे कभी कभी होता है कि आप अपने कार की स्कूटी की बाइक की चाबी टेबल पे रखे हो जरूरत हुआ आप गए और आपको नहीं दिखा घर वालों चिल्लाने लगे कि जब मेरी चाबी यहीं रहती है तो इधर उधर क्यों रखा गया फिर कोई घर का दूसरा मेंबर आया और कहता यही तो है अंधे हो क्या दिख नहीं रहा तुमको सामने ऐसा हुआ है कभी तो जब किसी भी चीज की इमेज वो भले से आपके सामने है वो रेटिना के ब्लाइंड स्पॉट पे बन जाएगी तो वो चीज आपके सामने होते हुए भी नहीं दिखेगी ठीक तो कभी कभी हम खोज के थक जाते हैं फिर दोबारा घूम टहल के आते हैं वही दिख जाती है हमें लगता है कि लग कोई फिर से रख के चला गया है पहली बार तो मैं खोज के गया हूं यहाँ पे नहीं था तो ऐसा नहीं है पहली बार जब आप देखने की कोशिश किए तो एक, -एक को इंसिडेंटली क्या हो गया उसकी इमेज कहाँ बन गई ब्लाइंड स्पॉट पे बन गई और जब ब्लाइंड स्पॉट पे किसी चीज की इमेज बनती है तो हमें दिखाई नहीं पड़ता ठीक ये हो गया रेटिना के बारे में अब कुछ जानवरों की देखते हो आंखें चमकती हैं बिल्ली कुत्ता भैंस गुस देखते हैं ना कैसे चमकती है भाई क्या होता क्यों चमकती है शीशा कंघी ड्रेसिंग टेबल पूरा व्यवस्था करवा दिया जाए क्या ड्रेसिंग टेबल एक कोने में उधरी लगवा दिया जाए पहले वही कर लीजिए फिर पढ़िए क्यों चमकती है कुछ तो पाया जाता होगा क्या पाया जाता है हुँ? उनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का तत्व तो पाया जाता है टेपिटम ल्यूसिडम ठीक है उनके कारण क्या होता है कुत्ते बिल्ली शेर की आंखें क्या होती हैं चमकती है तो नोट करके लिख लीजिएगा बिल्ली कुत्ता शेर आदि की आंखें चमकती हैं किसके कारण ये तो होमवर्क देना था लो ये मुझे होमवर्क देना था मैं बता ही दिया इसके कारण चमकती है। इस पदार्थ के कारण चमकती है उनकी आंखों में टेपिटम, ल्यूसिडम पाया जाता है जिसके कारण बिल्ली कुत्ता की आंखें चमकती हैं साइन करते हैं ठीक कुछ और चीजें देख लेते हैं एक चीज होती है अब ये तीनों पार्ट हो गया पार्ट जो होता है ना आउटर पार्ट मिडिल पार्ट और इनर पार्ट अब आंख से संबंधित और कुछ चीज़ें जहां से हमारे एग्जाम में पूछा जाता है हेडिंग डालिएगा